ओ बंदे कितना सारा हो ले एक दिन फोन पटे एक दिन पोल पटेगी रे तेरी एक दिन पोल पटेगी कितना जाना बोले एक दिन पोल पटेगी पर कितना जाना बोले एक दिन पोल पटेगी को समझ न पाया सारा जीवन यूही गवाया जी। क्या होता है मूल तत्व आखिर तेरा जन्म क्यों हुआ किस लिए हुआ कहां से तू आया है कहां तुझे जाना है ए मूल तत्व को समझ न पाया सारा जीवन यूही गवाया जी। ए मूल तत्व को समझ न पाया सारा जीवन यूही गवाया जी। तेरी कैसे बात बढ़ेगी रे तेरी कर बात बढ़ेगी यार कितना तू कितना कितना जाना होले एक दिन बोल पटे यार कितना जाना होले एक दिन बोल पटे तेरी एक दिन बोल पटेगी रे तेरी सारी बोल पटेगी कितना जाना होले कितना जाना बोले माया जोड़ जोड़ के धरती घर को बेकसारी वर्दी माया जोड़ जोड़ के धरती घर को बेना सारी वर्दी और माया संग चलेगी रे तेरी एक दिन फोन पटेगी या माया संग चलेगी रे एक दिन फोन पटेगी नर कितना जाना बोले रे एक दिन फोन पटेगी कितना सारा बोले रे एक दिन फोन पटेगी कितना सारा बोले रे एक दिन फोन पटेगी
माया जोड़ जोड़ के धरती घर कुंडे में सारी भरती या माया संग ना चलेगी तो कितना इशारा होले फिर एक दिन पोल खुलेगी। एक व्यक्ति ने अपने चार बेटे पढ़ाए और अमरीका भेज दिए, एक डॉक्टर बना, एक इंजीनियर और एक वैज्ञानिक और एक कलेक्टर हो गया। और चारों बहु पहले की उठाए तो बहू को साथ ले जा, ब्याह होने तक पहले ही तय कर लेको साथ चलेगी मारी लोहंडी तो करें ब्याह ने बताओ। बापू पहले नु कहे कि नु को जो लड़की साथ तो जा वहीं जा नौकरी पे तुरे तो ठीक है ना, तो कोई बात नहीं काम नहीं टाल तो नहीं। हर लोंडा भी कड़ा तावड़ा आवर इनको नहीं जी नहीं साथ ले जी, कोई गांव में थोड़े रहे हैं हम, माँ बाप को पिटे रहे हैं वहां तो गांव में। ये डाल बताओ जो कर भैंस बंद रही हो, माँ बाप को कोई डाल बताए क्योंकि माँ बाप को पिटे रहे हैं गांव में, तो हम तो शहर में रहना गैस की रोटी बनेगी। और बेटी की माँ भी और बापू भी राजी हो जाने को, देख कितनी बढ़िया बात है। नूनी पता रहे घोड़ा जब अपने माँ बाप को डांगा डोर मान रहा है तारी बेटी को क्या मानना का। और गणित आवड़े भी आकर दें संस्कृति बदलगी मानसिकता चेंज होगी। मैं पीछे ले जा रहा हूं, चारों बहू करा और बुढ़े का बोल बंद हो गया, बुढ़ापे में बोल बंद हो जा, खालिश मार जा, पता नहीं के हो जा, सो रोग बुढ़ापे में आने लगे। बुढ़े का बोल बंद हो गया, घर में गाय थी गाय का बछड़ा झाड़ू खा रहा और बुढ़ा नूक रहा है बिरे बिरे। बहुओं ने सोचा ससुर माल बतावे, और बाजी बाजी गई वायरलेस कर दी अपने घर वालों पे वायरलेस मारी ताने करूं कि गणित आवड़े आ जाओ, बाबू का बोल बंद हो रहा और हाथ आवे माल बतावे और पता नहीं कितना दबरिया होगा। और कुछ ऐसा जुगाड़ लेकर आई हो जो बस नू तो बता दे कहां दबरिया फिर काट तो लेंगे। डॉक्टर जो था उसने इंतजाम कराया, मंदे जमाने 50,000 का इंजेक्शन तैयार करवा लिया। उस इंजेक्शन की वैलिडिटी उसकी कीमत 50,000, और बस दो ही बोल कहेगा लगती इंजेक्शन, दो ही बोल कहेगा फिर मर जाएगा। सोचा रहे मर जान दे माल तो बताई जाएगा। चारों हस्बैंड आ गए, हस्बैंड जानो जो बिना फूक मारू बजे ऐसा बैंड, फूक नहीं मारनी पड़ती बस एक बार लखा पड़ो गैल बजन लगे। चारू आ गए और नू कह लगे बताओ क्यों करे, नू कह लगी नू हाथ ठावे और नू पता नहीं कहां दबरिया कितना दबरिया और आखिरी टाइम है इंजेक्शन ला दू। बापू के इंजेक्शन लाया और इंजेक्शन लाते उन्हें कह लगा, कह लगा साड़ो बहन जो दोई भी तुम्हें बैठा बछड़ा झाड़ू खान लग गया और वो जार वो जार 50,000 का जूता और मर गया। नो कह लग रहे जाता जाता 50,000 का चुन्ना ला गया, कितना लालच था। अरे माया जोड़ जोड़ के धरती घर कुंडे में सारी भरती, माया जोड़ जोड़ के धरती घर कुंडे में सारी भरती। माया संग न चलेगी रे, माया संग न चलेगी कितना सारा हो ले एक दिन पूरे खुले कितना सारा हो ले एक दिन पूरे पते।
प्यारा हो रे कितना प्यारा हो रे कैसे तीसरी कड़ी में के बता दिया सुधारी अपनी उन समय में पैरी कपनी अरे काया खूब सुधारी अपनी उन समय में पैरी कपनी आखिर में के पहनना पड़े काया खूब सुधारी अपनी पंच समय में पैरी कपनी अग्नि बीच जलेगी रखाया अग्नि बीच जलेगी कितना सड़ा बोल रे फूल नर कितना सड़ा बोल फूल लेखन लेगा सारा ऊपर चले न्याय का तेरे कर्म का लेखन क्या है सारा ऊपर चले न्याय का तेरी एक एक बात छटेगी रे तेरी एक एक बात छटेगी कितना सारा बोल रे एक दिन बोल पटेगी मर कितना सारा बोल रे एक दिन बोल तेरी एक दिन बोल पटेगी तेरी सारी बोल खुलेगी कितना सारा बोल रे एक दिन बोल पटेगी मर कितना सारा बोल रे नर Thank you.
कर्मों का लेख मिलेगा सारा, ऊपर चले न्याय का आरा। किसी के बालक नहीं हुआ करते और वो किसी भगत के चली गई हड़का, और भगत ने कह दिया तेरे जन्म में तो, तेरे कर्म में तो सात जन्म भी औलाद नहीं। रोन लगी, नुके लगी, बांज का टीका लग गया, कुछ तो बता दे। भगत कह लगा एक शर्त पर तेरे बालक हो जाएंगे, उनको बता दे। और प्रेमियों, जिस नारी को औलाद नहीं होती उस नारी के दिल से पूछिए वो क्या क्या करने के लिए तैयार हो जाती है। उसने कहा दादा तू जो कहेगा मैं करूंगी। उनको रात के 12 बजे तू पशुओं के बाड़े में आग दे दे, तेरा औलाद हो जाएगी। पहले बाड़े या करते पशुओं के बाड़ में, अंदर पशु बांध दिया करते, हर वाल लुकती छिपती गई और रात के 12 बजे पशुओं के बाड़े में आग लगा दी। उधर कोई बड़ा बुड्ढा देख रहा था, पशुओं के बाड़े में आग दे दी और वहां बंधे हुए पशु तड़प तड़प के मरण लगे। और कुछ दिन बाद में उसका औलाद होगी, लड़का हो गया। एक वाणी हमने लिखी थी, नुकुर राजी होके पाप कमा ले कलयुग में पाप फड़ेगा, और कुछ दिन पाछे देख लिए सारा माटी में रहेगा और फिर कुछ नहीं बचेगा, चाहे तू जान खपा लिए तेरी करने के पर्चे बंदे ऊपर जा लिए। या वाणी सुनने के लिए नेट पे जाओ, श्री अरदास आश्रम यूट्यूब खोलो, थोड़ा मिलने की वाणी। वो बूढ़ा नो कह लगा बालक तू ही है भगवान, तेरा न्याय नहीं, इन्हें तो पाप करया था, बाड़े में आग दी थी, पशु तड़प तड़प के मरे थे और तने इसका लड़का दे दिया। वो बूढ़ा डेली कहे हे भगवान तेरे न्याय नहीं, उसका पोता रोटी देना आवे और वो डेली नुके बूढ़ा भगवान तेरे न्याय नहीं। पोते ने सोचा बाबा का यू ही भजन होगा, वो ईशा ही नाम लेता होगा। कुछ दिन पाछे उस औरत का वो लड़का जवान हो गया, ब्याह करके ले आया, उसकी उम्र निकट गई। रात के 12 बजे सांप निकल आया, रात के 12 बजे बाड़े में आग दी थी और रात के 12 बजे डस लिया उसका केलाई। और जब रात के 12 बजे केलाई बेटा डस लिया ना, वह पिलकती फिर लगी, तड़पती फिर लगी और वो बूढ़ा नोके लगा के लग भगवान तेरा न्याय तो है पर थम कहे। तड़की पोता आया बाबा की रोटी लेके, रोटी धरी और बुढ़े ने वो सेंटेंस बदल दिया पहले वाला। कौन सा सेंटेंस था पहला? नुको भगवान तेरे न्याय नहीं। बुढ़े का सेंटेंस बदल गया, बुढ़ा कह लगा भगवान तेरा न्याय तो है पर थम के। पोते तरह आने का पोता नुके लगा बाबा नुको, हाँ नुको रोजाना तो नू क्या करता, नुको भगवान तेरा न्याय नहीं और आज या क्यों कर बदले है, नुको हाँ बताऊंगा भाई, या जो तड़पती फिर है ना, इसने रात के 12 बजे पशुओं के बाड़े में आग दी थी और इसका औलाद होगी थी लड़का का।
और वो जवान हो गया, शादी करके ले आई, और आज वो नाग न डस लिया, इसका बेड़ा गर्क हो गया, इसका कुछ नहीं हो, इसका बुढ़ापा बिगड़ेगा। भगवान ने बदला तो ले लिया पर थम कह लिया, तो कैसे बता दिया। लिखा है सारा ये ऊपर चले न्याय का आरा जी, कर्म का लेकर लिखे सारा ऊपर चले न्याय का आरा जी। तेरी एक एक बात छटेगी रे, तेरी एक एक बात छटेगी, कितना शाना होले रे, एक दिन कोल कटेगी, कितना शाना होले रे, एक दिन कोल कटेगी, एक दिन कोल कटेगी रे तेरी, एक दिन कोल घूमेगी, कितना शाना होले तेरी, एक दिन कोल कटेगी, कितना शाना होले दिया। ए अब तो सोच समझ ले रे प्राणी, तू अब भी सोच समझ ले प्राणी, बट मैं दर सतगुरु की वाणी, इब तो बुढ़ापा आ गया, इब तो आ जानेंगे कू, कह जवानी में बहुत से पाप कमाए, वे जाते नहीं बताए, तू अपनी सोच समझ ले रे प्राणी, घट में दर सतगुर की वाणी जी, ए अब तो सोच समझ ले रे प्राणी, घट में दर सतगुर की वाणी जी, कुछ तो कर्म कटेगी, कितना शाना होले रे तेरी, कैसा फूल फुलेगी, कितना शाना होले रे, कैसा फूल फुलेगी, कैसा फूल फुलेगी रे तेरी, सारी फूल कटेगी, कितना शाना ये मुकेशी अपना भाव सोरते और माला से कर रहे हैं, बार बार धन्यवाद है जी, धन्यवाद है। लख लख बधाई होगी। आखिर में क्या कह दिया, Thank you.
बिगड़ास करम उड़ जेड़ा। अभी खुशहाल कह रहा था महाराज क्यों कर लिखेंगे, इस पानी का पूरा सार को की कड़ी में दे दिया, समझनिया समझेंगे। ए संजय दास करम उलझेड़ा, ए कोई कोई निकले संत सवेरा जी, ए संजय दास करम उलझेड़ा, कोई कोई निकले संत सवेरा जी, संत भी कोई कोई निकलेगा। ए संजय दास करम उलझेड़ा, करम उनका उलझेड़ा कौन सा, एक बाबा बन गया, घर छोड़ के फकीरी ले ली, घर में बाल बच्चों को छोड़ गया, बहू को छोड़ गया, माँ को छोड़ गया, बाबू को छोड़ गया, रिश्तेदार छोड़ गया और साधु बन गया, गुरु बना लिया बाल ब्रह्मचारी, पति बड़ी आसान। महाराज जी कहने लगे भाई साधु तो तू बनेगा, पर वचन मान लिए, कहने महाराज जी मानूंगा कि तू बस एक वचन मान ले मेरा, मैं तो जाऊं 12 साल की रामत पे घूमन जाऊं हूं, और तू अड़े कुटी पर रहिए पर जोड़ी ना सिमाइए, मांग के 2 रोटी खाइए, अरे ईसा वचन करके पर महाराज जी तो चले गए। ये वो कुटी पर रहने लगे साधु, 2 रोटी मांग कर ले आवे और वे ही खा ले। एक चेला के लगा महाराज जी 2 रोटी मांग कर लाओ वे ही खा लो, अगले टाइम फिर भागो हमारे आवे कुछ ज्ञान ना विचार, तुम एक काम करो उनको कौन सा है उनको 2 टाइम की कट्ठी मांग ले आया करो, क्या लग रहा 2 टाइम की कट्ठी, रुक जा 2 टाइम की कट्ठी तो मांग ले आओगे, पर हाथों में तो आती नहीं ना, हाथों की भी जरूरत है महाराज जी, एक जोड़ी सी मान ले, कह लगा जोड़ी की तो गुरु जी मना कर गए, गुरु जी आओगे 12 साल में तू यहां दुखी हो के मर जाएगा, जब गुरु जी आओगे जोड़ी को फेंक दी, पर ये तो कर ले अपना काम, उसकी दैड़ समझ में आई, सोचा गुरु जी तो 12 साल में आऊंगे, ठाके चेलू की बात मान ले और जोड़ी सिमा ली, और जोड़ी में 2-3 टेम की कट्ठी मांग ला रहे, नू कह लगा चेले कह लगे देख ले गुरु जी हमने बताई नहीं ठीक ठाक था, नू कह लग रहा चेलू तुमने तो बहुत बढ़िया बात बताई, इब तो मुझे पिरान नहीं होना पड़ता, 5-4 दिन का कट्ठा ही मांग जाऊंगा, एक चुईया भी आ गई चुईया और जोड़ी काट ली, वो चून लिकड़ लगा जोड़ी में, नुके लगा बाबा रा चेलो नुको हमारा जे, क्या लगा जोड़ी काट दी चुईया ने, क्या लगा इसका इलाज तो हम बता देंगे महाराज जी, क्या लगा क्या है नुको एक बिल्ली पाल लो चुईया का खात्मा तुरंत करेगी, चेलू की मान के ठाके बिल्ली ली आई, बिल्ली ना तो चुईया निमटा दी, गुरु जी को खुशी हुई, कहने लगा चेले बढ़िया बताई, तो चुईया का तो निमटा दिया काम, कह लगा हम तो ऐसी बताओ, वह बिल्ली आश्रमों को म्याऊं म्याऊं करे भूखी मरे, नुके लगे रहे चेलो नुको हाँ गुरु जी नुको बिल्ली रोवे, नुको जी रोवे की तो है ही, या तो दूध पिया करे दूध चाय इसको, अरे फिर दूध कुकर बनाए, कह लगे गाय बांध लो, कह लगे ठीक कहो
उठा के गाल जाली। गाय का दूध पीन लगी पिल्ली, पिल्ली ठीक ठाक। कहने लगे चिल्ले बात तो बढ़िया बताई। कह लगे जी हम तो इसी बताए पर उनको तो गाँव भूखी रहे, उनको इसका भी बता देंगे जुगाड़। एक पीर बनने और जालो कहीं घास खोद के लिया करेगी और गां भी छकी रहेगी और तुम्हें भी पुई पुआई मिलेगी। बिना मतलब मैं काम जोड़ रखा और यूं ही तो डंगा छोड़ के गया था वो। कहीं तो एक माई अड़ जाली बिना जाग तो बाड़ू सी की भाई सब डाली है बिचारी, उसका भी कोई नहीं था। आगे कहीं तो एक माई ली आई और जब माई रहने लगी बाबा रहने लगे बस 9-10 महीने में एक बालक हो गया खुशहाल। यूं ही तो बजीता छोड़ के गया था वो। भाई अमरपाल यूं ही बजीता तो छोड़ के गया था ना। जीव जाकत हो गए 5-4, गुरु जी के आने का टेम हो गया। गुरु जी आए क्या लग रहा मेरा चेला रहे था, क्या लगा जी चेला है चेली भी है जाकत बड़े सारे हैं। कह लगा साले ने जोड़ी सिमाली होगी बहन चोट ने बिना देखो बता दिया। कह लगा साले ने जोड़ी सिमाई होगी, मुंह नहीं बना था खेल जोड़ी सिमाली होगी। कह लगा जी जाकत हो रही 5-4 और माई भी है और गाय भी है और बिल्ली भी है। कह लगा साड़े ने जोड़ी सिमाई होगी, बात तो भौ में पड़ा। कह लगा महाराज जी बचा ले तो पजीता हो रहा, यू ही तो छोड़ के आता। कह लगा साड़े टाल करके गया था जोड़ी सिमाई होगी। कह लगा जी हाँ सिमा ली थी। कह किसके कहे थे? कह लगे जी चेलू के। कह लगे चेलू के कहे थे तो पजीता ही पड़ता। तो आजकल के हम गुरु जी ऐसे हो गए चेलू की बात मान के कुछ ही कर बैठे। जब उस अड़ंगे को छोड़ के गया था और गुरु जी ने कहा था वचन, एक मंगल में लिखा वचन न माना सत को डाला जा फसा और फिर भोगे अपने भोग कर्मों के बल पर। प्रेमियों गुरुओं के पास कुछ सौदा नहीं है, गुरुओं के पास मर्यादा है और वचन है। और जो गुरु वचन पे डट गए कट गए फंद चौरासी। तो सुनिए चौथी मतलब लास्ट कड़ी में क्या बता दिया ध्यान से सुनिए। संजदास करम उड़ जेड़ा कोई कोई निकले संत सवेरा जी। ए संजदास करम उड़ जेड़ा कोई कोई निकले संत सवेरा जी। कैसे जिस पे गुरु की मेहर फिरेगी रे, जिस पे गुरु की मेहर फिरेगी तू कितना इशारा हो लगे। एक दिन बोल पटेगी कितना इशारा हो लगे, एक दिन बोल पटेगी कितना तो बस हो लगे, एक दिन बोल पटेगी बोलो साधो बताओ बाणी कितनी होली।
मेरी बाणी।